मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी. आई ऑलवेज प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस. आई वेलकम यू ऑल इन EVS क्लास. चिल्ड्रन, यू नो वेरी वेल दैट कोरोना वायरस इज अगेन स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. सो ऑल ऑफ यू take care of yourself, use hand sanitizer, wash your hands properly and always wear mask when you go outside from your house. Today we will do part 2 of chapter 6 and the name of this chapter is eating together. In this part we will do one activity to summarize the topic एंड ऑल्सो द समरी पार्ट कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है. एंड ऑल्सो वी विल डू द एक्सरसाइज. सो बी रेडी विद योर बुक्स. ओपन पेज 36. डू यू नो दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 35. पीपल प्रिपेयर एंड शेयर स्पेशल डिशेज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. मालपुआ एंड गुजिया आर प्रिपेयर्ड ऑन होली. फेस्टिवल्स के समय हम अपने घर में बहुत सारी स्पेशल डिशेस बनाते हैं और उन्हें शेयर भी करते हैं, बांटते भी हैं फ्रेंड्स रिलेटिव्स में. मालपुआ एंड गुजिया आर प्रिपेयर्ड ऑन होली. होली फेस्टिवल पर मालपुआ गुजिया बनाते हैं घर में. एंड अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेविया इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद. ईद क्या है? मुस्लिम्स का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. और इस दिन वो अपने घर में क्या बनाते हैं? सेवइयां, जो बहुत ही शौक से खाते हैं सब. नेक्स्ट डू यू नो इज गिवन ऑन पेज नंबर 36. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड. आपने चैप्टर में अच्छे से समझा है मिड डे मील स्कीम क्या है. A scheme in which all the government schools provide its students food at lunch time. तो इंडिया में सबसे पहले इस स्कीम को किस स्टेट ने शुरू किया था? That was Tamil Nadu state. Now let us summarize the chapter. Summary part समझते हैं अब. We eat special kinds of food on special occasions. People of different regions eat different types of food. हम अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग खाना पसंद करते हैं और स्पेशल ओकेजन्स पे हम अपने घर में स्पेशल तरह का कोई फूड बनाते हैं. कम्युनिटी ईटिंग फ्रॉम अ कॉमन किचन इज कॉल्ड लंगर. कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है? जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और एक ही किचन से खाना तैयार किया जाता है और इकट्ठे बैठकर जब खाते हैं तो वो लंगर होता है. और लंगर कहाँ लगता है? गुरुद्वारा में. मिड डे मील इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन मैनी स्कूल्स. बहुत सारे स्कूल्स में मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है. ईटिंग टूगेदर ब्रिंग्स अस क्लोजर टू वन अनदर. तो इकट्ठे मिलकर खाने से हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से हमारी शेयरिंग बढ़ती है, हम एक दूसरे से अपने मन की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, Now let us review this chapter by doing this activity. In this activity we will see the occasions when we eat together. Students, see here, family is eating together. Family सबसे छोटी यूनिट है जब हम इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं. Marriage is also one special occasion in which all relatives, friends gather and eat the food together. Can you recognize this picture? Yes, पहचानिए. Yes, this is langar. जो गुरुद्वारा में लंगर लगता है ये उसकी पिक है. और लंगर में सब लोग देखो जमीन पर बैठकर एक कॉमन किचन में जो खाना पकाया जाता है उसे खा रहे हैं. और ये क्या है?
कम्युनिटी ईटिंग. कम्युनिटी ईटिंग क्या है? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर. दिस इज भंडारा. देखो यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं. टेम्पल के अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भंडारा लगता है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. और इसे पहचानिए. यस, दीज आर स्कूल चिल्ड्रन एंड दीज आर ईटिंग मिड डे मील. मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दिया जाता है ताकि वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहे. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ओकेजन्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट टुगेदर. दे मे बी स्पेशल ओकेजन्स और मे बी कम्युनिटी ईटिंग. ईटिंग टुगेदर फैमिली इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अस. It supports and gives us love and care. All members of the family get together on holidays and also during evening. Eating together begins at home. While having dinner together, we share our experiences and thoughts with our family members. It brings us closer to one another. Special occasions. We have large gatherings of friends and relatives on special occasions like birthday parties, weddings, festivals and picnics. These occasions are marked by celebrations and feasting. Special dishes are prepared on these occasions. Halwai prepares the food in large vessels. This food is served to a large number of people together. Eating on such occasions brings joy and happiness. When a large number of people eat together, it is called community eating. Have you ever been to a Gurudwara? Ruchika. Yes, ma'am. Once I also went into the kitchen of a Gurudwara. It was very large and spacious. A lot of activity was going on there. The food was being cooked in huge vessels. Teacher. Yes, food is prepared in large quantities. People of different religions, castes and groups sit together on the floor and eat the food. The cooking and eating together in a Gurudwara is called langar. Class party. Ma'am, we have lot of fun during lunch break because we all share our meals with each other. Ma'am, why don't we have a class party? Yes, we can plan a party on Saturday. Let's decide what each one would bring for the party. You can all share food and have fun together. Yes, ma'am. Sharing our meals brings us closer to our friends. Nowadays, most of the government schools provide meals during the day. It is called midday meal. Why is midday meal served in schools? There are many children who do not get even a full meal a day to eat. Meals are important for the proper growth and development of children. So the Supreme Court of India passed an order that instructs all the government schools to provide its students with hot and fresh cooked food at lunchtime. Ma'am, my brother stays in a hostel where food is served together to all students in a large dining hall. Thus, they all enjoy eating together there. Yes, eating together creates a bond of oneness among children. Be ready for exercise now. Question A. Tick the correct answer. Number 1. Lunch organized in government schools is called langar, seva or midday meal. तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में फूड दिया जाता है, लंच दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मिड डे मील. वी गेट लंगर इन, वेयर डू वी गेट लंगर? इन चर्च, गुरुद्वारा और स्कूल. लंगर कहाँ मिलता है? गुरुद्वारा. द फर्स्ट स्टेट वेयर मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड, केरला, बिहार और तमिलनाडु. तो कौन सा फर्स्ट स्टेट है जहाँ मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी? That is Tamil Nadu. Question B. Write true or false. Number 1. We have large gatherings of friends and relatives on special occasions such as birthday parties, weddings, etc. तो हम जो बड़े बड़े बहुत सारे friends, relatives आते हैं वो special occasions पे आते हैं ना हमारे घर में,
Yes, this is true. Number two, the cooking and eating together in a gurudwara is called midday meal. तो मिडडे मील बोलते हैं जो गुरुद्वारा में फूड कुक किया जाता है, खाया जाता है एक साथ. नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि गुरुद्वारा में क्या मिलता है? लंगर. नंबर थ्री, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड. यस, दिस इज ट्रू. ईटिंग टुगेदर डज नॉट ब्रिंग अस क्लोजर टू वन अनदर, कि जब हम इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं तो हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आते. नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन सी इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, डैश इज सर्व्ड इन गुरुद्वारास. गुरुद्वारास में बच्चों क्या सर्व किया जाता है? यस, लंगर. नंबर टू, ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ बॉन्ड ऑफ डैश अमंग फैमिली मेंबर्स, कि जब हम इकट्ठे खाना खाते हैं एक साथ तो एक अलग तरह का बॉन्ड हमारे बीच में डेवलप होता है, क्रिएट होता है. दैट इज बॉन्ड ऑफ वननेस. वननेस मतलब कि हम सब एक हैं. नंबर थ्री, मिड डे मील इज सर्व्ड इन डैश स्कूल्स. कहाँ पर मिड डे मील सर्व होता है? इन गवर्नमेंट स्कूल्स. नंबर फोर, वेरी लार्ज डैश आर यूज्ड फॉर कुकिंग कम्युनिटी लंचेस. कम्युनिटी लंच को कुक करने के लिए, पकाने के लिए वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े क्या यूज किए जाते हैं? यस, वेसल्स, बड़े बड़े बर्तन. क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन, व्हाई शुड फैमिली मेंबर्स ईट टुगेदर, कि फैमिली मेंबर्स को एक साथ क्यों खाना चाहिए? फैमिली मेंबर्स शुड ईट टुगेदर बिकॉज ईटिंग टुगेदर brings us closer to one another. Question 2, what is midday meal scheme? Why is it important? A scheme in which all the government schools provides food to its student at lunch time. This is called midday meal scheme. And it is important for the proper growth and development of children. और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों की proper growth हो सके, उनकी development हो सके, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके. Question 3, how is food served in a boarding school? कि boarding school में food कैसे serve किया जाता है? In a boarding school, the food is served together to all students in a large dining hall. Question 4, what is langar? Who cooks and serves in a langar? Langar kya hai? Community eating from a common kitchen is called langar. And kaun pakata hai langar? Langri. Langri cooks food. And who serves? Sevadar serves food in a langar. Now question 5, why should we share our meal in school? क्यों हमें स्कूल में एक दूसरे से लंच को शेयर करना चाहिए? We should share our meal in schools because sharing our meals brings us closer to our friends. Question E, solve the crossword puzzle. देखो बच्चों, ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये आराम से समझिए ध्यान से. क्वेश्चन 1, डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप पजल को देखोगे तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उसमें कुछ अल्फ़ाबेट और लगाओगे तो आपको आंसर मिलेंगे. नंबर 1, द फर्स्ट स्टेट वेयर मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड, तो वो क्या है? तमिलनाडु. देखिए नंबर 1 में ही TAMILNADU. नंबर 2, ही प्रिपेयर्स फूड इन लार्ज वेसल्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. लास्ट में देखो एच है, लास्ट बॉक्स में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे ये क्या बनेगा? हलवाई, HALWAI. नंबर 3, मील सर्व्ड इन गुरुद्वारा, वो क्या है?
लंगर LANGAR ये आपसे डाउन में बनेगा. नाउ अब एक रोज साइड आपको देखना है. लंच ऑर्गेनाइज्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कौन सा लंच गवर्नमेंट स्कूल में बनता है. मिड डे मील M से कंप्लीट करोगे, थर्ड बॉक्स में M दिया हुआ है, राइट हैंड साइड लिखोगे मिट MIDDAY MEAL. नंबर 5 आ स्वीट प्रिपेयर्ड ऑन होली, होली पे क्या बनती है, खाई है आपने गुजिया GUJHIA. नंबर 6 आ स्वीट प्रिपेयर्ड ऑन ईद, ईद पे क्या बनती है, सिमिया SEWAIN. वैल्यू एंड लाइफ स्किल, व्हाट हैव वी लर्नड फ्रॉम दिस चैप्टर. Eating together offers an opportunity to promote table manners and improve child's social skills. कि जब हम social gatherings में जाते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है, table manners, कि हम कैसे बाहर बिहेव करते हैं खाते हुए. And improves, और बच्चे की सोशल स्किल्स इम्प्रूव होती है, वो समाज में अपने आप को, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, वो भी स्टूडेंट्स यहीं से आप लोग सीखते हो जब आप फैमिली गैदरिंग्स में जाते हो. ओके, दिस इज योर होमवर्क. रीड लेसन 6. लेसन 6 को अच्छे से रीड करोगे एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन ऑन पेज 37. ऑन पेज 37 क्वेश्चन ई, सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल, इसे आप सॉल्व करोगे. मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो अब आप अपने आप इसे करके देखोगे. ओके, थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल.